अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज से 2 महीने पहले मैंने आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर किया था सिंध रेंजर्स की जॉब्स के हवाले से। उसके ऊपर वैकेंसीज आ गई हैं और मैंने 2 दिन पहले उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ लोकल गवर्नमेंट सिंध डिपार्टमेंट की जानब से अनाउंस होने वाली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के हवाले से। जिन जॉब्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तकरीबन 1381 जॉब्स हैं और तमाम ग्रेड 16 और ग्रेड 17 की वैकेंसीज हैं जो कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स बेस पे हैं। मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो के जाने, मगर आगे बढ़ने से पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी जॉब्स की वीडियोस के बारे में आप लोग अपडेटेड रहें। दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट का एनओसी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें सबसे पहले चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर की वैकेंसी है जिसके अंदर 356 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 30 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है। नंबर 2 पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ये भी ग्रेड 17 की वैकेंसी है, 109 सीट्स है। इसमें भी अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और एज लिमिट 30 है। नंबर 3 पे अकाउंट्स ऑफिसर ऑब्लिक सीनियर ऑडिटर की वैकेंसी है, ये भी बीपीएस 17 है, 101 वैकेंसीज है इसकी। एमकॉम या एमबीए फाइनेंस की बेस पे इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकेंगे, 30 ईयर इसकी भी एज है। नंबर 4 पर टाउन ऑफिसर की वैकेंसी है, बीपीएस 16 है, 480 पोस्ट हैं इसकी और इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, इसकी भी एज लिमिट 30 है। नंबर 5 पे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिटर की वैकेंसी है, इसका ग्रेड 16 है। टोटल 117 पोस्ट हैं इसमें और बीकॉम या बीबीए की बेस पे आप अप्लाई कर सकेंगे, एज लिमिट इसकी भी 30 है। नंबर 6 पे इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट की वैकेंसी है, बीपीएस 16 है, टोटल 218 पोस्ट हैं। इसमें भी अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, एज लिमिट 30 इसमें अगर आपकी होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे मैक्सिमम पे। ये 3 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत जल्द इसके एडवर्टाइजमेंट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आ जाएगा। अभी रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू चल रहा है वेबसाइट का, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पे बंद कर दी गई है, मगर इतलात ये है कि वो जल्द रिजॉल्व होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है कि 1 से 2 महीने में ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की सिंध लोकल गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी आपके साथ कंप्लीट बना के शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।